रोजाना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर शहर में नए प्रयोग शुरू करती है, लेकिन अमली जामा नहीं पहुंचा पाती। ऐसी ही खामियों के चलते नगर निगम ने पहले ही कई गैर जरूरी योजनाओं के लिए कंसल्टेंट को भारी भरकम राशि का भुगतान कर दिया है। अब एक बार फिर से कंसल्टेंट कंपनियों से सलाह लेने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए फिर से भुगतान किया जाएगा। स्मार्ट सिटी के लिए नगर निगम सलाह ले रहा है, नगर निगम इसका भी भुगतान करेगा, और जब इस पूरी कवायद को लेकर सवाल उठने लगे तो नगर निगम कमिश्नर ने लोगों से सलाह लेकर स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर नया सिगुफा छोड़ दिया है। ऐसे में गफलत पैदा हो गई है कि आखिर स्मार्ट सिटी को लेकर नगर निगम की फाइनल प्लानिंग क्या है। पिछला जो साल था वो चुनाव के और आचार संहिता के कारण बहुत सारी चीजें हम नहीं कर पाए। अभी इस साल हम अपने पूरे जोर शोर के साथ और दिन रात मेहनत करके हम चीजों को लाइनअप कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जितने भी प्रोजेक्ट्स होने हैं उनका काम वर्क स्टार्ट किया जाए और उसको कंप्लीट किया जाए। ज्यादा जानकारी के साथ थोड़ा सा शैलेंद्र पाठक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, स्मार्ट सिटी को लेकर क्यों स्मार्टनेस नहीं दिखा पा रहा है नगर निगम, क्यों आखिर बार बार सलाह लेने की जरूरत पड़ रही है? स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट एक्चुअल में बहुत पुराना है, इसमें जो कंसल्टेंसी है अब लगातार जो परिस्थितियां शहर की बदल रही थी, सरकार बदलने से भी इसका बहुत फर्क पड़ा, लेकिन जो पहली सरकार है उसको जिस तरीके से काम इसमें करना चाहिए था वो चीजें जमीन पे नहीं आ पाई और वो कागज में ही ज्यादा दौड़ते रही और लोगों को उसको परेशानी सबसे बाद भी कम से कम दिखाया गया है कि ये बनने वाला है और नई तरीके से स्मार्ट सिटी बनेगी, इसमें चीजें आएंगी, और अभी तक लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये कंसल्टेंसी ऐसी क्या कंसल्टेंसी चल रही है, भुगतान निगम कर रहा है लेकिन उसका जमीन में जो चीजें दिखनी चाहिए, जो लोगों को राहत के रूप में दिखनी चाहिए, वो का सपना जो बताया गया था कि स्मार्ट सिटी बनेगा बिलासपुर, और इस बार तो और बड़ी बात यह हो गई कि सेंट्रल से पैसा भी केंद्र में जो केंद्रीय बजट है उसमें भी पैसा पर्याप्त नहीं मिला है, जो पुराना पैसा है उसी पैसे पे ही इसको काम करना, वो उस पैसे का भी जो जमीन पे जो है धरातल पे जो है वो काम नहीं दिखा है, तो ये कहीं ना कहीं जो एक इच्छा शक्ति है कहना चाहिए और एक काम वर्क टीम वर्क जो कहीं ना कहीं है वो नगर निगम में कम है, जिसकी वजह से ये लगातार जो है पिछड़ रहा है स्मार्ट सिटी के नाम से बिलासपुर, और इसका नुकसान जो है जो जनता की उम्मीदें हैं वो कहीं ना कहीं जो इसमें थोड़ा सा निराशा लोगों का हाथ लग रही है। शैलेंद्र, नया शिगुफा ये है कि अब आम जनता से भी सलाह ली जाएगी, तो इसे कैसे किया जाएगा, कैसे जनता से सलाह लेकर, क्या वाकई में सलाह लेने के बाद में भी अमली जामा भी पहनाया जाएगा या पहले की तरह ठंडे बस्ती में जाती हुई नजर आएगी स्थिति? वास्तव में होना यही चाहिए था, जब ये कंसल्टेंसी से जो लाखों रुपए कंसल्टेंसी को भुगतान किया गया वास्तव में लोगों से ही इसका जो फीडबैक जो है शुरुआत में ही लेना था, जब जो अब निगम अब करने जा रहा है, क्योंकि जिस शहर में जो लोग रह रहे हैं उनकी क्या आवश्यकता है, वो कैसा चाहते हैं शहर को, इस बात को लेकर के चर्चा नगर निगम ने अब नगर निगम को लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों से चर्चा होनी चाहिए, लोगों से बात होनी चाहिए, उनका फीडबैक होना चाहिए और वो जितना अच्छा पब्लिक बता पाएगी और वो इम्प्लीमेंट अगर होगा तो वो ज्यादा अच्छा होगा, तो शायद अब नगर निगम लोगों से फीडबैक ले रही है और लगता है अगर इम्प्लीमेंट कर पाएगी तो ज्यादा अच्छा है, फिलहाल तो ये भी कागज में ही इसको माने अभी। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शैलेंद्र। बना